फादर इन लॉ को, इनफैक्ट ही उनका जो ऑक्सीजन लेवल था, उनका ऑक्सीजन लेवल 86 पहुंच गया था. एक्चुअली आई आस्क्ड माय वाइफ फ्रॉम द फर्स्ट डे कि निशान से बात करके प्लीज ऑर्डर द ऑयल्स. सो बट उसने थोड़ा डिले किया, बट अगेन आई वॉज बिहाइंड. तो द डे वी गॉट हिम एडमिटेड इन द मिड नाइट, उसी दिन सुबह वी गॉट द ऑयल्स डिलीवर्ड इन गुड़गांव. तभी वी स्टार्टेड यू नो यूजिंग द ऑयल्स, और उनका ऑक्सीजन 90 था, फिर 86 हो गया था. वी स्टार्टेड ऑयल्स और हॉस्पिटल में हम लोग दिमाग लगा रहे थे कि कैसे हमको वहाँ पे जगह मिले. बाय द टाइम रात को 12:30 बजे फोर्टिस में उनको एडमिट कराया था, उनका ऑक्सीजन लेवल 86 से 93 आ गया. एंड बाय गॉड्स ग्रेस उनको ऑक्सीजन, उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जो है अननेचुरल ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी. सो दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग. सो एक्चुअली स्टार्टिंग में ही हैड हाई फीवर, सो यू नो जस्ट रैंडमली वी वेंट टू देयर होम, ऐसे मिलने चले गए हम लोग उनसे. एंड वी सॉ दैट कि उनको हाई फीवर है, एंड वी गॉट द टेस्ट डन एंड उनका पॉजिटिव आया. एंड उसके बाद सो लाइक वी वर लिटिल वरीड, एंड उनका फीवर काफी हाई था, इट वाज लाइक बिटवीन 2 to 4, एंड हिज एज इज लाइक 75+, ऑलमोस्ट 78 ईयर्स, माय फादर इन लॉ. तो लाइक फीवर काफी ज्यादा था उनका, एंड वी वर क्वाइट वरीड कि उनको, बट एक वैक्सीन लगा हुआ था, बट फीवर बहुत ज्यादा था और कंजेशन बहुत ज्यादा था, सांस लेने में तकलीफ थी, खांसी बहुत ज्यादा थी, बहुत कफ था उनको, बहुत ज्यादा कफ था. सो आई बिलीव उनके लंग्स इन्फेक्शन काफी ज्यादा होगा. सो उस दिन तो कुछ नहीं हो पाया, वी गेव द मेडिसिन, बट वी सॉ कि उनकी ऑक्सीजन डिप हो रही है. तो उसके बाद में उनके नेक्स्ट डे ऑक्सीजन डिप हो गई थी काफी ज्यादा, बट वी स्टार्टेड यूजिंग ए ऑयल, तो इट वॉज परफेक्ट. सो he was perfect within a week I believe, kyunki he got admitted on the day, matlab on the midnight. uske baad mein, but hum logon ne unko oil deke hi rakhe the, even uske baad mein unke oils wahan khatam ho gaye the, he was in icu. so we ordered oil again from you. uske baad humne unko wapas icu mein kaise bhi request karke unke baki samaan ke sath mein wrap karke bhijwaya, kyunki wahan par allow nahi karte hai jaldi se, to humne unko bhijwa diye. एंड वी आस्क अवर फादर इन लॉ कि भैया ठीक है, तुम आप किसी भी तरह उसको यूज करते ही रहे ना, आप कुछ भी जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा हो कर, बट ऑयल यूज करते रहो, एटलीस्ट आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के ऊपर जो है नहीं जाओगे, आप नेचुरल ऑक्सीजन पे ही रहोगे और आप जल्दी से रिकवर करोगे, बाकी सब चीजें अभी तक चलती रहेगी. सो ही वॉज यूजिंग एवरी डे एवरी मोमेंट, बट कभी 6 जगह यू नो 5 बार यूज करते थे, बट ही वॉज यूजिंग एज मच एज पॉसिबल. तो उनका एक हफ्ते में ही वॉज बैक परफेक्टली फाइन. उसके बाद भी उन्होंने यूज किया है, और जो आपका एक सुदर्शन और एक और है ना आपका विफ, वो भी उन्होंने यूज, एलिक्सर तो, हाँ एलिक्सर तो यूज किया ही है, उसके साथ साथ ये दोनों भी यूज किए वापिस आने के बाद. फॉर माय मदर आई शुड से कि शी हैड फीवर एंड शी हैड स्लाइट कफ, ब्रीदिंग इश्यूज थे उनके साथ में, सांस लेने में तकलीफ थी, सांस फूल रहा था, वो सब तकलीफ थी उनके साथ में. My mother का क्या हुआ था, when we came to know that she was positive, तो हम लोगों ने इमीडिएट उनके साथ में भी यही किया. सो आई हैव दैट प्रैक्टिस कि जैसे भी किसी को तकलीफ होती है तो हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करते थे ऑयल्स वगैरह, और उनके साथ में ये हुआ कि उनका ऑक्सीजन डिप हुआ था, 92 तक उनका ऑक्सीजन गया था, 92-93 तक उनका ऑक्सीजन गया था, यूजली उनका 97-98 रहता है, तो उनका 92 तो चला गया था, बट we were using, and in fact in the hospital also hospitalized bhi kiya tha on a safer side ki unko kuch takleef nahi hui, because we were actually worried. So and but she was fine, she didn't use oxygen ki zarurat nahi padi, natural oxygen unko kahin se bhi natural tarike se oxygen diya, unka 92 se niche saturation nahi gaya, so maintained raha tha, and she came back from the hospital after 9 days. Ha, negative test aaya tha, negative test, she was negative. और उसके अलावा भी ऑयल्स तो उसके बाद भी हम लोगों ने यूज किए, इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत यूज करती हूँ. मेरे साथ में ये था कि मम्मा का और बेटी का ध्यान देते देते मेरे को भी कोरोना हो गया था, मैंने फादर इन लॉ के साथ इंटरेक्ट हुआ था, उसके बाद तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कैच हुआ था. तो मेरे साथ तो ये था कि मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं आई थी, नेगेटिव ही थी पहले दिन से, बिकॉज डॉक्टर्स ने बोला था कि इनफैक्ट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लाइक आपका आपकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आती है, पॉजिटिव होने के बावजूद भी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, बट मेरा सीटी स्कैन स्कोर पहले 3 पॉइंट कुछ था, बट उसने कुछ दिन बाद कराया तो इट वॉज 10, एंड
हम मैंने लाइक जो ऑयल है, ऑयल तो ऑफ कोर्स मैंने भी फर्स्ट डे से यूज करना स्टार्ट किया कर दिया था बिना कुछ सोचे समझे। साथ तीनों ऑयल्स यूज करना स्टार्ट कर दिए थे मैंने, तो उनको लाइक मैं तीन, क्योंकि बिकॉज आई वॉज नेगेटिव सो आई वॉज यू नो नॉट सर्टेन, सो आई वॉज यूजिंग इट लाइक फोर टाइम्स अ डे, फाइव टाइम्स अ डे, समटाइम्स थ्री टाइम्स अ डे, डिपेंड्स ऑन दी जिस दिन जैसी तबीयत है जैसा वो है। तो तीन से पांच बार यूज किया ही किया है, इनफैक्ट उसके बाद भी मैंने उसको यूज किया है। अभी मैं आपका एग्जैक्ट और मेरे को शायद, बट मेरा फीवर थोड़े ज्यादा दिन चला था, लाइक 10 दिन के आसपास मेरा फीवर चला था। सो उसके बाद वापस प्रोग्रेस, मतलब उसके बाद चीजें सही होनी स्टार्ट हो गई थी मेरी। और मैं बात करूं अगर जो लंग्स में पैचेस वगैरह ना हो और वो सब, उसके लिए शायद मुझे नाम भूल गया, बी से कुछ नाम था उसका, हाँ बैक टू क्लियर। सो वो भी मैं यूज कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ, मतलब वो भी यूज कर रहा हूँ दिन में चार पांच बार नहीं तो दो तीन बार, तो दो बार तो यूज कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में जो मेरे पास में ऑयल्स और है मैं वो भी यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी सही हो गया हूँ लेकिन फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ कि ठीक है बैक टू क्लियर तो मैं यूज कर रहा हूँ। सुदर्शन मैं रात को यूज करता हूँ सोते हुए, क्योंकि अभी कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी मतलब मैं रात को लगा के सोता हूँ सुदर्शन वगैरह, और उसके बाद मैं बैक टू क्लियर लगा के सोता हूँ चेस्ट के ऊपर।